सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो गाइस आप देख सकते हो सबसे पहले तो मैं HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर कर रहा हूँ, 2B है, और उसके बाद आपको ब्लेंड करना है ब्लेंडिंग स्टम से या ब्रश से। आप पहले ब्रश से कर लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा और स्मूथ करने के लिए आप ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दोबारा 4B कर रहा हूँ डार्क वापस शेड करने के लिए, सेकंड लेयर के लिए देख सकते हो। अब मैं मोनोटोन यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट के लिए, तो आप मोनोटोन इरेजर यूज़ करिए। अब मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ आईब्रो के लिए। अब ग्लास का फर्स्ट फ्रेम डार्क पेंसिल से कर रहा हूँ 10B से, आप देख सकते हो। अब लेटर तो डार्क पार्ट के लिए 6B, अब मैं 4B यूज़ करूँगा, आप देख सकते हो। फिर आपको ब्लेंड कर देना है, आपको ब्लेंड कर देना है, देख सकते हो आप। अब मैं बीएड बना रहा हूँ स्टैचे बनाने में बहुत इजी है, आप देख सकते हो। लिप्स बना रहा हूँ। और गाइस अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इसकी आउटलाइन बनाई है तो उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना, नहीं तो आपको ज़्यादा वीडियो समझ नहीं आएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और आप आई बटन से भी देख सकते हो। आई बटन में क्लिक करिए और इस वीडियो में चल जाइए, देख सकते हो आप। अब मैं बी एडिस ड्रॉ कर रहा हूँ। डार्क के लिए डार्क पेंसिल यूज़ करिए और लाइट के लिए लाइट ही। अब हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, हेयर के लिए मैं 8B यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रोक देते रहना है जब तक पूरा बाल कवर नहीं हो जाते। तो हेयर्स बनाने का भी ट्यूटोरियल लाऊंगा, आप देख सकते हो आपने पूरा उसको कवर कर दिया। अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, अब मैं ईयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइस अब देख सकते हो आप, अब आप क्लोज बनाना तो बहुत ही आपको आता होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऐसे ही और वीडियो देखते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।